आप सब लोगों का स्वागत है इस 9th सीरीज में जो हम जैविक और प्राकृतिक खेती के विषय में चला रहे हैं। और इसमें खासकर जो जुड़े हुए लोग हैं वो रियल ऑर्गेनिक फार्मर हैं या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे रिसर्च करते हैं। आज ये इस टॉपिक का जो है कि कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें जैविक खेती के अवयव क्या हैं। एक्चुअली जैविक खेती केवल कंपोस्ट और जीवामृत, अमृत पानी, ब्रह्मास्त्र निमास्त्र प्रयोग करने से नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैविक खेती में फिशरीज, गोटरीज, पिगरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज सब आता है, सबको इंटीग्रेट करके किया जाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, जो मुख्य है, जिससे बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सकता है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये बहुत जरूरी है, तभी आपका उत्पादन रासायनिक खेती के बराबर होगा या उससे अधिक होगा। आपका लाभ जो है रासायनिक खेती से कई गुना ज्यादा होगा। अगर आप बहुत सारे जो कंपोनेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के उसको आप अपनाते नहीं है, तो इसमें सबसे पहला हरी खाद, ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी ज्यादा कंपोस्ट किसी भी फार्मर के पास नहीं है, गांव में बैल नहीं है, तो हरी खाद का लेना बहुत जरूरी है। साल में एक बार बरसात के पहले इसकी बुआई जरूर करनी चाहिए, लेकिन चुनाव ऐसा करना चाहिए हरी खाद की फसलों का कि पहला तो ये है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करती हो। ये केवल दलहनी फसलें होती हैं क्योंकि उनकी जड़ों में गांठें होती हैं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को जमीन में उपलब्ध कराता है। दूसरी शर्त यह होनी चाहिए कि हरी खाद का सिलेक्शन हो जिसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो, कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, पत्तियां मुलायम हो, जड़ शाखाएं सभी सॉफ्ट होनी चाहिए और इनकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हूँ जमीन में, क्योंकि आप जब जुताई करते हैं तो 4-6 इंच ही भूमि की जुताई करते हैं, लेकिन हरी खाद की जड़ फसलों की जड़ें ज्यादा गहराई तक जाती हैं, वहां से पोषक तत्वों को अभ्यार करती उद्ग्रहण करती हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में हैं या मैदानी भागों में हैं तो वहां पे उपलब्ध हरी खादों का ही प्रयोग करें, तभी आपका जो उद्देश्य है तभी सफल हो पाएगा। कुछ हरी खाद की फसलों का मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे सनई है, ढैंचा है, लोबिया है, उड़द है, मूंग है, ग्वार है, सेंजी है, बरसीम, मटर, कुलथी, ये सब दलहनी फसलें हैं। और जैसे आप सनई की हरी खाद लेते हैं, करीब 15 से 25 टन जैविक अवशेष मृदा में आप ऐड करते हैं और उससे जो है 60 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर आप प्रदान करते हैं। उसी तरह अगर ढैंचा उगाते हैं तो 20 से 25 टन हरा पदार्थ आपकी मिट्टी में मिलाया जाएगा और उससे करीब 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होगी। जैसा आप देखते हैं रासायनिक खेती में यही बताया जाता है कि 100 से 120 किलो यूरिया डालना चाहिए, लेकिन हम रासायनिक खेती में एनपीके डालते हैं, लेकिन जैविक खेती में सारे पोषक तत्वों को डालते हैं। जैसे ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो सारे पोषक तत्व जो मुख्य हैं और सूक्ष्म हैं सभी फसलों को प्राप्त होते हैं। हरी खाद जब उगाएं तो कुछ सावधानियां होनी चाहिए।
सावधानी ये कि जुताई के समय पौधे कोमल हों जिससे वो जल्दी सड़ जाएं। जैविक अवशेषों के संपूर्ण किण्वन हेतु भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तभी वो सड़ेंगे। हरी खाद की फसलों में फूल आने से पूर्व उनको जमीन में मिला देना चाहिए। सिंचित अवस्था में 15 से 20 दिन बाद मानसून पूर्व या अस जहाँ पे पानी कम उपलब्ध है, मानसून शुरू होते ही हरी खाद की बीजों को की बुआई करनी चाहिए। जुताई करके पाटा जरूर लगाएं, तभी वो जल्दी से जो जैविक अवशेष है जमीन में सड़ जाएगा। और खेत में 5 से 6 सेंटीमीटर जब आप जुताई कर लें, यदि पानी उपलब्ध है तो उसको अगर भर दिया जाए तो जल्दी से जैविक अवशेष सड़ जाता है। फसल फसल की पलटाई के बाद अगर 4-5 दिन पानी अगर लगा रहे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। हरी खाद के बहुत सारे लाभ हैं, आप जानते हैं कि भूमि में ह्यूमस, ऑर्गेनिक कार्बन, मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व की बढ़ोतरी होती है। और लगातार अगर हरी खाद कोई किसान कर रहा है तो 3 साल के बाद उस खेत में कंपोस्ट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा है इंटरक्रॉपिंग, अंतरासस्य फसलें। अंतरासस्य फसलें बहुत जरूरी हैं जैविक खेती में। अंतरासस्य फसलों का कुछ सिद्धांत होता है, जैसे जो इंटरक्रॉपिंग के लिए जो फसलें लगाई जाती हैं उनको द्वितीय स्थान देना चाहिए। आपकी मुख्य फसल से कोई कोई कंपटीशन नहीं होने चाहिए। और तेजी से बढ़ने वाली अधिक पोषक तत्व उद्गण करने वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का, इसको इंटरक्रॉपिंग के रूप में नहीं लेना चाहिए। जिस अगर आप ज्वार, बाजरा, मक्का लेते हैं इंटरक्रॉपिंग के साथ तो आपकी जो मुख्य फसल है उसकी बढ़वा रुक जाएगी, उसका उत्पादन कम होगा। खासतौर से दलहनी फसलें जो भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करती हों उन्हीं का चयन इंटरक्रॉपिंग के रूप में लेना चाहिए। जिन फसलों में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है जैसे धान है, बरसीम है, इनको इंटरक्रॉपिंग के रूप में नहीं लेना चाहिए। ऐसी फसलें जिसमें कीड़े एवं व्याधियों का प्रकोप ज्यादा होता हो या वायरस की बीमारी लगती हो, ऐसी फसलों को इंटरक्रॉपिंग के रूप में नहीं लेना चाहिए। और इंटरक्रॉपिंग के बहुत सारे फायदे हैं, इससे अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, मुख्य फसलों की देखभाल अच्छी होती है और इनसे नियमित रूप से आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है, मृदा की जो उर्वरता है उसमें वृद्धि होती है। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन कम होता है यदि आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं। और यदि विपणन की समुचित व्यवस्था हो तो इंटरक्रॉपिंग के रूप में औषधीय सगंध, पुष्पी पौधों एवं सब्जियों की भी इंटरक्रॉपिंग करके अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। अब इसके बाद देखें इंटरक्रॉपिंग के बाद तो मिक्स क्रॉपिंग, मिश्रित फसलें। मिश्रित फसलों से भी इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपकी आमदनी बढ़े, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े और कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप कम हो। इसके कुछ सिद्धांत हैं मिश्रित फसलों के, जैसे मिश्रित खेती में कम से कम एक फसल का उत्पादन अवश्य प्राप्त होना चाहिए। अगर आपने 3 फसलें उगाई हैं, एक फसल का उत्पादन अवश्य प्राप्त होना चाहिए। इसमें मिक्स क्रॉपिंग में सभी को, जितनी भी फसलें हैं सबको प्राथमिकता देनी चाहिए। फसलों में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ना हो, मतलब एक दूसरे में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। सभी फसलों की समयावधि एक या भिन्न होनी चाहिए। बुआई रुपाई सबकी एक साथ होनी चाहिए। मिश्रित फसलें अलग अलग कतार एवं एक ही कतार में भी लगाई जा सकती हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग से आप किसान जो है
एक साथ कई उत्पादन ले सकता है और अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। उसी तरह होती है आवरण फसलें। आवरण फसलें का फसलों का मतलब है कि जमीन पे मल्चिंग, मतलब जमीन को ढक लेना। ऐसी फसलें हैं, मूंग है, उड़द है, ये सब ऐसी फसलें हैं जो जमीन को ढकती हैं और ज्यादा बरसात होती है तो उसमें सॉइल इरोजन को कम करती हैं। खरपतवारों का नियंत्रण कम होता है। अगर आप कवर क्रॉपिंग करते हैं, आच्छादन फसलों का प्रयोग करते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण कम होता है। मृदा के जल अवशोषण एवं जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। भूमि में जैविक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें तरह तरह के जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं या थर्म्स है, इनकी इनमें वृद्धि होती है और अंततः भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। तीसरा दूसरा कंपोनेंट है मल्चिंग। मल्चिंग भी जैविक खेती का एक कंपोनेंट है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। भूमि में विद्यमान नमी का संरक्षण होता है, खरपतवारों की रोक होती है, मृदा संरक्षण होता है, पौधों के मूल तंत्र के आसपास उचित नमी और उचित तापमान को बनाए रख सकते हैं। जैविक अवशेषों को नियमित रूप से पलवार के रूप में प्रयोग करने से भूमि की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है। केचुओं तथा सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। अविकसित फलों के गिरने में कमी आती है, जैसे फूड ड्रॉप देखते हैं कि ज्यादातर फल वृक्षों में फूड ड्रॉप होता है। अगर उनमें मल्चिंग कर दी जाए तो देखा गया है कि फूड ड्रॉप फल गिरने की समस्या में कमी आती है। दूसरा, अगर आपने मल्चिंग किया है तो जो बेल वाली सब्जियां हैं जैसे लौकी है, कद्दू है, करेला है, ये सब अगर जमीन के ग्रो कर रहे हैं तो ये उनका फल जो है मृदा से टच नहीं होता है, जिससे उनकी क्वालिटी में वृद्धि होती है। सावधानी ये रखना चाहिए अगर मल्चिंग कर रहे हैं तो खासतौर से फल वृक्षों में पूरे थाले में मल्च करके पेड़ से 6 इंच दूर तक खुला छोड़ते हैं। खुला नहीं छोड़ेंगे तो बहुत सारे कीड़े हैं जो आपने मल्चिंग किया उसके सारे पेड़ पे चढ़ सकते हैं, जैसे गुजिया है जिसको मिलीबग कहते हैं। जैविक अवशोषों की 20-30 सेंटीमीटर मोटी मल्च होनी चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा सा आपने जैविक अवशेष डाल दिया तो मल्चिंग हो गई। मल्चिंग का मतलब 4 से 6 इंच मोटी परत होनी चाहिए, तभी आपकी मल्च अच्छी मानी जाएगी। दूसरा, मल्चिंग में ये देखना चाहिए कि दीमक या कुतरने वाले जीवों का वो शरण स्थान नहीं होना चाहिए। मल्चिंग में दीमक और जो कुतरने वाले कीड़े हैं, कीट हैं, जैसे चूहा है, उनका वो छुपने का स्थान नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है ट्रैप क्रॉप, फंदा फसलें। फंदा फसलें वो होती हैं खासतौर से कीड़ों से मुख्य फसल को बचाने के लिए जो फसलें हम उगाते हैं उनको फंदा फसलें कहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। फंदा फसलों में जैसे इनसे बहुत सारे लाभ हैं। रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग में कमी आती है अगर आप फंदा फसलें यूज करते हैं। प्राकृतिक मित्र कीटों का बचाव होता है, जैसे आप रासायनिक खेती में बहुत सारा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो उसमें लाभदायक कीड़ों को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन ट्रैप क्रॉप जब यूज करते हैं, जैसे मैं बताऊं कि टमाटर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इनके साथ पीले फूल वाले फसलें जैसे गेंदा है, मस्टर्ड है इत्यादि उगाने से जो कीड़े हैं पीले फूल की तरफ आकर्षित होते हैं तो उन फूलों को तोड़ करके बाजार में बेच देना चाहिए, क्योंकि उन फूलों पे वो जो कीट हैं, जैसे कैबेज की बात करें तो उसमें डायमंड ब्लैक मॉथ का प्रकोप होता है, तो फूलों को बेचते रहेंगे तो उनके अंडे जो है बाहर चले जाएंगे आपके खेत से,
तो धीरे धीरे इनकी समस्या कम हो जाती है। कुछ अब फंदा फसलों ट्रैप क्रॉप की जो हम सिम्टम बताएं, कुछ परंपरागत ट्रेडिशनल ट्रैप क्रॉप्स होती हैं। ये फसलें मुख्य फसल के साथ कतार या मेड़ों को उगाई जाती हैं, जिनसे कीट उनके फूलों को अंडा देते हैं और फूलों को अंडे सहित नष्ट कर दिया जाता है। मृत्यु फंदा फंदा फसल जो ऐसी ट्रैप क्रॉप्स हैं जो कीटों को आकर्षित भी करती हैं, वो मर भी जाती हैं। जैसे अधिक कीटों को ये जो ट्रैप क्रॉप है वो ज्यादा ज्यादा कीटों को आकर्षित करती हैं और वहां वो पौधे वो कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित फंदा फसलें, ये वो फसलें हैं जो कीड़ों को आकर्षित करने के लिए अनुवांशिक रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसी हैं कुछ और फंदा फसलें हैं जो फसल के चारों तरफ मेड़ों को उगाई जाती हैं, जैसे पपीते के बाग में चारों तरफ मेड़ों पर मक्का के पौधों को उगाने से जो व्हाइट फ्लाई है, जो आप देखते हैं पपाया में पपाया रिंग स्पॉट पपाया लीफ कर्ल वायरस इस बीमारी फैलती है, तो ये मक्का या ज्वार लगाने से जो वायरस को फैलाने वाला कीट है सफेद मक्खी, वो मक्के की तरफ आकर्षित होता है तो आपका पपीता उसके संक्रमण से बच जाता है। फंदा फसलों ट्रैप क्रॉप के उगाने के लिए कुछ जैसे सुझाव हैं कि फंदा फसलें मुख्य फसल से अधिक कीटों को आकर्षित करती हैं, ट्रैप क्रॉप को दिन प्रतिदिन देखभाल जरूर करना चाहिए और इनको इन पर उपस्थित कीटों के अंडों को नियमित रूप से नष्ट करना चाहिए, तभी ये कारगर होगा। अन्यथा जो ट्रैप क्रॉप आप फंदा फसलें उगाएंगे अगर कीड़े वहीं पे रहेंगे तो फिर वो उसी खेत में फैलेंगे, अतः ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रैप क्रॉप्स हैं उन पे अगर कीड़े आकर्षित हैं तो उनका निराकरण भी जरूरी है। दूसरी होती है सहयोगी फसलें। सहयोगी फसलें वो हैं कि जो फसलों के उचित वृद्धि एवं विकास में सहायक होती हैं, ये हानिकारक कीटों से प्रतिरोधित करती हैं तथा पोषक तत्व तो छाया एवं सहारा प्रदान करती हैं। और शोधों से ये पता चला है कि सहयोगी फसलों से बहुत सारे लाभ हैं और ये फसलें उनका कुछ मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ। कंपेनियन क्रॉप्स, जिसको सहयोगी फसलें मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में कंपेनियन क्रॉप्स कहते हैं, जैसे गुलाब और लहसुन, ये कंपेनियन क्रॉप्स है। गुलाब के साथ लहसुन वगैरह उगाएंगे तो गुलाब के साथ लहसुन की खेती करने पर लहसुन अनेक कीटों को दूर करता है तथा मृदा से अधिक मात्रा में सल्फर अवशोषित करता है। सल्फर पौधों को बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये गुलाब के साथ लहसुन एक कंपेनियन क्रॉप है। कद्दू वर्गीय फसलें और गेंदा, मेरी गोल्ड और कुकर बिट्स। कद्दू वर्गीय फसलों में सूत्रकृमि की समस्या अधिक होती है, निमेटोड की प्रॉब्लम होती है, लेकिन साथ में अगर गेंदा के पौधे लगाएं तो इसके गेंदा की जड़ों से जो तरल निकलता है वो इनको जो निमेटोड्स हैं सूत्रकृमि हैं इनको भगाने में या इनको दूर करने में सक्षम होता है। टमाटर एवं पात गोभी, ये भी कंपेनियन क्रॉप्स हैं। पात गोभी के साथ टमाटर खेती करने पे पात गोभी की सूंडी का प्रकोप कम होता है। दूसरा मक्का एवं लोबिया, ये भी कंपेनियन क्रॉप्स हैं। इसके लिए जैसे मक्के के साथ अगर लोबिया लगाते हैं तो मक्के के हानिकारक कीटों को लोबिया आकर्षित करती है तथा लोबिया के वृद्धि एवं विकास के लिए मक्के का तना सहारा प्रदान करता है, तो इस तरह का ये कंपेनियन है। मूली और पालक, मूली और पालक, मूली एवं पालक की खेती एक साथ करने से पालक की पत्ती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मूली आकर्षित करती है, इसे आपके पालक का जो पत्तियां हैं वो स्वस्थ बनी रहती हैं, मूली के पत्तों का उपयोग कम होता है, अतः जड़ पर कीटों का प्रभाव नगण्य होता है। इसी तरह कीटों की रोकथाम है तो कुछ कंपेनियन क्रॉप्स हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं।
टमाटर के साथ गेंदे के पौधों को उगाने से टमाटर की फसल पर सूत्रकृमि का प्रभाव कम होता है तथा इसके साथ साथ ये सोया अथवा तुलसी के पौधों को लगाया जाता है तब सोया टमाटर की सुंडी को आकर्षित करता है तथा तुलसी सुंडी को प्रतिरोधित करती है। तो इस तरह से फसलें हैं जिनको आपस में आप लगा करके विभिन्न कीटों एवं बीमारियों से प्रतिरक्षा कर सकते हैं। एक दूसरे को सहयोगी फसलें बहुत सारी हैं, तो जैसे पात गोभी के साथ लहसुन की खेती लाभप्रद होती है क्योंकि पात गोभी की कटाई पहले की जाती है तथा लहसुन की कटाई ग्रीष्म ऋतु में की जाती है अतः लहसुन के पौधों को वृद्धि के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। इस तरह का भी कंपेनियन क्रॉप्स हैं जो इनको जैविक खेती में महत्व देना चाहिए। लाभदायक कीटों को आकर्षित करने के लिए कुछ और जो कंपेनियन क्रॉप्स हैं उनका मैं उदाहरण देता हूं कि सहयोगी गेंदे के साथ टमाटर, गुलाब एवं लोबिया, ये जो आपका तीन क्रॉप हैं, ये तीन फसलें हैं, ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं। वाटरमेलन के साथ मूली, मेंथा के साथ पात गोभी, मटर के साथ गाजर, मूली, खीरा, प्याज और लोबिया, कद्दू के साथ लोबिया, पात गोभी, मटर होंगे, ये सब कंपेनियन क्रॉप्स हैं। कद्दू के साथ मटर, गेंदा एवं लोबिया, मूली के साथ मटर, खीरा एवं पालक, ये बहुत सारी कंपेनियन क्रॉप्स हैं जिनको आप जैविक खेती में इनका प्रयोग कर सकते हैं तथा अनावश्यक जो छिड़काव होते हैं उससे बच सकते हैं। कुछ हानिकारक सहयोगी फसलों का उदाहरण मैं बता देता हूं। कद्दू के साथ आलू नहीं करना चाहिए क्योंकि कद्दू में वायरस लगता है, मोजेक वायरस, वही आलू में भी रख सकता है। मूली के साथ आलू नहीं करना चाहिए, टमाटर के साथ सौंफ नहीं करना चाहिए, शलजम के साथ सरसों नहीं करना चाहिए, पालक के साथ पात गोभी नहीं करना चाहिए। इस तरह जो फसलें हैं इनको एक साथ नहीं उगाना चाहिए। कुछ एलीलोपैथिक फसलें होती हैं जिनके उगाने से, जैसे आपने पिछले भाषण लेक्चर में देखा होगा, कुछ फसलें की जड़ों से कुछ ऐसे सीक्रेट्स निकलते हैं जिससे वहाँ खरपतवार नहीं होता है। पिछला जो लेक्चर था वो वीड मैनेजमेंट पे था। तो एलीलोपैथी का कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूं। जैसे काफी के पौधे हैं जंगली चौलाई के बीजों के अंकुरण को प्रभावित करते हैं, जहाँ काफी साउथ इंडिया में काफी का प्रोडक्शन होता है। मक्के की पौधों की जड़ों के अर्क से कैटलेज एवं पराक्सीडेज की क्रिया में वृद्धि होती है जिससे खरपतवारों के वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जई, मटर एवं गेहूं की फसल बथुआ की वृद्धि को, जो बथुआ है उसकी वृद्धि को प्रभावित करती है। इस तरह से एलीलोपैथी जो फसलें हैं इसको उगा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आज का ये कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो जैविक खेती के अवयव हैं, फसल चक्र। फसल चक्र बहुत बहुत जरूरी है। फसल चक्र से बहुत सारा हम जो कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप रोक सकते हैं। फसल चक्र से सॉयल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना में सुधार होता है, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, क्या कीट एवं व्याध खरपतवार प्रबंधन होता है, कम जो जोखिम वाली फसलें होती हैं। और फसल चक्र का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जैसे फसल चक्र फूड, चारा, दाल एवं सब्जी, ये सब फसलें हैं, इनको अगर आप फसल चक्र में अगर इनका चुनाव करते हैं तो अच्छा रहेगा। चयनित फसल के सफल उत्पादन में सिंचाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। फसल चक्र में चयनित फसल जो आप लगाते हैं उसका बीज स्वस्थ होना चाहिए और भूमि की उर्वरा शक्ति उस फसल के उगाने से बढ़े।
फसल चक्र का चुनाव ये ऐसे करना चाहिए कि प्रतिवर्ष किन फसलों का चुनाव करना है, जैसे कभी कभी मुख्य फसल में भी परिवर्तन लाभदायक होता है। एक ही फसल एक ही खेत में लगातार अगर उसको आप लगा उगा रहे हैं तो ठीक नहीं है, बहुत सारे कीड़े बीमारियों का प्रकोप होता है। जैसे मक्का की जगह बाजरे का चुनाव या गेहूं की जगह जौ का चुनाव करेंगे तो जो आपका जो उसमें बीमारी और कीड़े हैं उनकी संख्या में कमी आती है। फसल चक्र में कुछ चुनौती आती है, जैसे फसलों के चुनाव के पहले बीज के स्रोत एवं उनकी बाजार में कीमत की जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी इस प्रकार के बीजों को कृषकों के बीच आदान प्रदान भी महत्वपूर्ण होना चाहिए, एक दूसरे बीज ले सकते हैं। कीट एवं बीमार व्याधि का संक्रमण होता है, जैसे कभी कभी कीट एवं व्याधियों का फसलों के अवशेषों द्वारा दूसरी फसलों में प्रसारित होता है, तो इस प्रकार के फसल मिश्रण का चुनाव नहीं करना चाहिए। कुछ लाभदायक फसल चक्र मैं बता रहा हूँ, मक्के के साथ लोबिया की खेती, जैसे लोबिया लेगुमिनस क्रॉप है। दलहनी फसलें सभी फसलों के साथ लाभप्रद होती हैं, परंतु आलू के साथ अगर आप दलहनी फसलें लेते हैं तो उसमें स्कैब एक बीमारी होती है वो लगती है। गेंदे के पौधों को लगाने से पहले सूत लगाने से निमेटोड की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। सब्जी के साथ औषधीय फसलों की खेती से कीटों का प्रकोप कम होता है। कुछ हानिकारक फसल चक्र हैं, जैसे चुकंदर एवं गाजर की खेती एक साथ नहीं करनी चाहिए। साधारण फसल जो चक्र जो होते हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अगर प्रथम वर्ष में मैं 4 साल का फसल चक्र बता रहा हूँ, प्रथम वर्ष में पत्ती फल जड़ दलहन इन 4 फसलों का लेना चाहिए। पत्ती वाली फसल, फल वाली फसल, जड़ वाली फसल और दलहन। दूसरे वर्ष फल जड़ दलहन पत्ती वाली फसल लेनी चाहिए। तीसरे वर्ष पहले जड़ फिर दलहन फिर पत्ती फिर फल, और चौथे वर्ष दलहन पत्ती फल एवं जड़। यही जो 4 फसलें हैं ये हर दृष्टिकोण से अच्छी हैं, क्योंकि इसमें सॉइल फर्टिलिटी में इम्प्रूव होता है। ये आपको कंपेनियन क्रॉप्स का भी ये एक दूसरे को सहयोग करती हैं। फसल चक्र बहुत सारे लाभ हैं, जैसे मृदा का संरक्षण होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, सॉइल इरोजन में कमी आती है, कीटों एवं व्याधियों से बचाव होता है, रासायनिक उर्वरकों के जो निर्भरता होती है, या बहुत सारे जो जैविक खेती में हम लोग खादें बाहर से खरीदते हैं उसमें कमी आती है, हानिकारक कीटों की संख्या में कमी होती है, खरपतवार प्रबंधन में सहायता मिलती है, कीटों के जीवन चक्र को आप डिस्टर्ब कर देते हैं फसल चक्र के द्वारा, कीटों के प्राकृतिक जो आश्रय, लगातार अगर एक ही फसल कर रहे हैं जैसे गन्ना केला तो उसमें कुछ ऐसे कीड़े हैं जिनका आश्रय बन जाता है, फसल चक्र से वो आश्रय खत्म हो जाता है। तो इस तरह से फसल चक्र, जैसे एक वर्षीय फसल चक्र मैं बताऊं, मूंग या उड़द प्लस अगेती आलू, गेहूं, तरबूज, खरबूजा, लौकी, कद्दू, तरोई इत्यादि, एक वर्षीय। दूसरा है हरी खाद, धान, गेहूं, मूंग। तीसरा उदाहरण है मूंग, उड़द, गन्ना प्लस कद्दू वर्गीय फसलें, या चौथा है अरहर, बहुवर्षीय फसलें जैसे मक्का, मूंग, उड़द, मूंग, हरी खाद के साथ धान, ग्लैंडुलस मूंग। इस तरह से आप बना सकते हैं फसल चक्र पहले या दूसरे साल का, जिसमें दलहनी फसलों को रखना बहुत जरूरी है। तो मेरी समझ से इस सीरीज में हमने बात करी हरी खाद की, क्रॉप रोटेशन की, कंपेनियन क्रॉप्स की, मिक्स क्रॉप की, कवर क्रॉप्स की, एलिलोपैथिक क्रॉप्स की। तो ये फसलें, ये कंपोनेंट जैविक खेती में बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे आप बहुत सारी बीमारियों का निराकरण कर सकते हैं, कीड़ों से बचाव कर सकते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज का ये अपना
अपना भाषण खत्म करता हूँ। अगर यदि किसी भी किसान का कोई, किसी भी व्यक्ति का कोई सवाल है तो हम उसका समुचित आंसर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर्यराम सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों तक शेयर की। और हमारे जो एक सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों के पास रहती है कि हमें पता नहीं होता किस समय पे कौन सी सब्जी के साथ कौन सी नई फसल हम लगा के उसके दूर मतलब कुछ आमदनी है, उसके अलावा हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपने इतनी अच्छी जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाई है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे किसान भाइयों के कुछ प्रश्न हो तो हम उनको लें और उनके बारे में हम चर्चा करें, क्योंकि अभी जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे किसान एक्सपीरियंस किसान जुड़े हुए हैं सभी, जैसे वीरेंद्र कुमार यादव जी हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं और अभी आप देख पा रहे होंगे ये अपने इनके जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको सपोर्ट भी किया जा रहा है, ये अभी दुकान पे बैठे हुए हैं जो इनकी ऑर्गेनिक स्टोर है। तो मैं चाहता हूँ वीरेंद्र जी आप थोड़ा सा अनम्यूट करें, क्योंकि इनसे मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ये जैविक खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छे सक्सेस फार्मर भी हैं। तो वीरेंद्र कुमार जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और प्लीज बात कीजिए। माइक आपका ओपन करो, माइक आपका बंद है, माइक माइक ओपन करो। वीरेंद्र जी माइक खोलिए पहले, माइक माइक खोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। वीरेंद्र कुमार यादव जी माइक ओपन कीजिए, माइक बंद है आपका वीरेंद्र जी। माइक सुन नहीं रहे, माइक बंद है, माइक बंद है। हाँ जी वीरेंद्र जी नमस्कार जी। नमस्ते वीरेंद्र जी, बताइए आप जैविक किसान है, मैं आपके आपकी विभिन्न फसलें देखा हूँ, आप अभी आपकी जो जमीन है नदी के किनारे आप वहाँ पे बहुत सारी फसलें, और मैं जब 3-4 साल से आपके पास आता जाता रहता हूँ, अभी भी आया था पीछे, तो आप उसमें मिलेट्स को भी लेके बहुत काम कर रहे हैं, तो आप जैसे आज अपने राम और राम सर ने इतनी फसलों का विभिन्न चक्र बताया, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं, आप कैसे विभिन्न फसलों चक्र को अपने आपके कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी जानकारी दी, और जो फसली का मॉडल बताया बहुत ही गजब का बताया, और हम इसी विधि से कर रहे हैं, उसका सही भरपूर लाभ ले रहे हैं। जो हमारे जैविक किसान हैं वो केवल खेती करना जानते हैं लेकिन फसली का मिक्सर नहीं कर पा रहे हैं या फसल चक्र नहीं ले पा रहे, इसीलिए घाटे का सौदा बता रहे हैं। अगर सही ढंग से इसी ढंग से किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरा दुर्भाग्य ये सर कि अभी हमारी जो फसल है वो खेत या जमीन में गंगा जी में चले गए, कटिंग में थोड़े से बचे, बाकी पूरे 40 फुट नीचे से कटते चले जा रहे हैं। इस बार हमने मिलेट्स पे बहुत बड़ा काम किया था लेकिन हमारी पूरी जमीन, वो जो नींबू बागवानी थी और सब पेड़ थे, सब पूरे जमीन गंगा जी में कटान में हो गई, उसमें कुछ हमको मिल नहीं पाया। लेकिन खेती का जो है वो एक्सपीरियंस आपको तो मालूम है कि आपके सहयोग में रह करके और बहुत अच्छा किया और उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा। और जो जैविक करने का आनंद है कि जो घरेलू खाद दवा का उपयोग कर रहे हैं और फसल चक्र ले रहे हैं, केमिकल फ्री हो रहे हैं, तो उससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिला है। तो क्या हुआ, पिछले 4-5 सालों से हमारे परिवार में कोई बीमार नहीं हो रहा है और जो उत्पादन है वो ऑटोमेटिक, स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत आई शुरू में क्योंकि अनुभव भी नहीं था, लेकिन अब हम खुद जिले में दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं तो अब हमको इस चीज का अनुभव मिला कि नहीं। वीरेंद्र जी अभी आप जो स्टोर पे बैठे हैं उसके बारे में थोड़ा बता, ताकि जो हमारे बाकी किसान भाई देख रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिले कि आप जैविक स्टोर पे बैठे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताया आपने, क्या आप कैसे काम कर रहे हैं जैविक मार्केटिंग के लिए? जैविक खाद में जैसे हमने जीवामृत का उपयोग किया, घन जीवामृत का उपयोग किया, और मल्चिंग का जो काम है बहुत ही अच्छा काम होता है, जो जीवाश्म बढ़ाने के लिए हम फसल अवशेष को जो जला देते हैं, इसको जलाने के बजाय अगर हम खेत में सड़ाएं तो उसमें हमारे खेत की उत्पादन क्षमता बहुत ही गजब की बनती है। किसान भाइयों को चाहिए अगर आप पूरे खेत में ना करें तो 2-4-5 बिसुआ में ट्रायल करके थोड़ी मात्रा में करके उसका उपयोग करके देखें और उसका बहुत ही बेनिफिट लाभ मिलता है। और अभी आप इस दुकान पे आप बैठे हैं तो इसका क्या मतलब, कैसा पब्लिक में क्या मतलब क्या रिस्पॉन्स आ रहा है जैविक को लेके? मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा टॉपिक सेट के, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट जो जैविक अभी क्या जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो हम जैविक उत्पाद तैयार कर रहे हैं तो इसकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम थी, तो हमने अपने यहाँ कृषि उपनिदेशक जी से कहा और हमारे कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से भी बात किया, तो उसके आधार पर हमको ये आउटलेट खोला गया। तो इसके इसमें कृषि विभाग किराया दे रहा दुकान का, और इसके अलावा जो ये पैकिंग है हमारी, ये आप देख सकते हैं जो हमारे पैकिंग चल रही है ये प्रभु ऑर्गेनिक के नाम से, तो जो हम विभिन्न तरह के पैकेट अपने कर रहे हैं ये सब पैकिंग का खर्चा सरकार दे रही है, और ये हमारे साथ में लोगो भी है पीजीएस इंडिया का, और ये प्रभु ऑर्गेनिक का जो आपको दिख रहा है ये प्रभु ऑर्गेनिक फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का लोगो है,
ये हमारा पर्सनल नहीं है, कृषि विभाग की ओर से ओवरऑल इंडिया कहीं भी माल मिलेगा, रघु ऑर्गेनिक का मिलेगा, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा सरकार का भी, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और हमारे जिले की तरफ से कृषि अधिकारियों का बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। बहुत देखिए बहुत पूरा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। मैं आपको इसीलिए चाह रहा था क्योंकि हमारे जो बाकी पार्टी किसान भाई हैं उनको आपसे प्रेरणा जी मिले कि जैविक को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो आपसे आपको इंट्रोडक्शन कराने का यही उद्देश्य था कि सरकार के द्वारा जो हमारे विभिन्न प्रयास सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं किसान भाइयों को, तो हम उनको कैसे लेके हम अपने किसानों को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र कुमार जी थैंक यू सर, नमस्कार। जी। जी, अभी हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं अपने। सुनील पाठक जी, आपका कोई प्रश्न है? आपका हैंड रेज है सुनील पाठक जी। अंकुश अंकुश या अंकुश यादव जी, जी नमस्कार जी सभी को। नमस्ते जी, पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे इंटरकल्चर कोऑपरेशन, जो मैं मिक्स खेती की बात हुई थी आज इसमें लेक्चर में, तो मटर के साथ एक औषधीय पौधा है सेलरी, उसके बारे में मेरे को जानकारी मिली कि भाई सेलरी को भी हम उगा सकते हैं और इस पे मटर का पैदावार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके अलावा 6 क्विंटल सैलरी सीड का प्रोडक्शन हो सकता है, तो मेरे को इस बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। अगर हमारे ग्रुप में कोई इस तरह के प्रोसेस को कर रहा है मटर के साथ सैलरी, सैलरी एक औषधीय पौधा होता है, इसके सीड एक्सपोर्ट होते हैं, सारा इंडिया एक्सपोर्ट करता है जी यूएसए में। जी जी डॉक्टर आराम से नहीं ऐसा है, देखिए इसका एक नियम है जो मिक्स क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग का, जी कि दोनों जो फसलें उगा रहे हैं उनकी जो सिंचाई की व्यवस्था है एक जैसी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि एक दूसरे से कंपटीशन ना करें, कंपटीशन जी बिल्कुल ना करें। जैसे आप बीच में किसी की फसल के साथ धान उगा देते हो तो उसमें ज्यादा पानी चाहिए, दूसरे फसल को पानी नहीं चाहिए। इस तरह से आपको देखना है कि एक दूसरे के सहयोगी हैं, पानी ज्यादा नहीं चाहिए ये देखना पड़ेगा। और उनको ये देखना है, जैसे हमने बताया कद्दू पपीते के बाद में बाग में कद्दू नहीं उगाना चाहिए या आलू नहीं उगाना चाहिए, तो उससे क्या वायरस वाली बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है। जी जी अगर सैलरी जी का मटर में कोई ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है तो आप आराम से उसको उगा सकते हैं। जी मेरी रिक्वेस्ट है ग्रुप के मेंबर से, अगर किसी को भी इस बारे में जानकारी हो तो कृपया करके तो बताइएगा। अंकुश जी अपना एक इंस्टीट्यूट है सीमैप लखनऊ में, मैं उनसे बात करता हूँ। अगर उनके पास उस क्रॉप से मेडिसिनल में उससे रिलेटेड कुछ इंटरक्रॉपिंग पैटर्न उनके पास है जी तो हम उनसे पूछ सकते हैं, एक बार पूछ के ट्राई तो ऐसा करें। है नीरज जी, जी ये दोनों सैलरी और ये आपका सैलरी मटर क्या एनुअल क्रॉप है कि सीजन क्रॉप है? सीजन क्रॉप है, 6 मंथ की है जी, सर्व टाइप में। और मटर जो है आपकी 3 महीने की है, तो हाँ ये रफली रफली जी सोइंग इसकी कब करेंगे? अक्टूबर अक्टूबर में जी, में करेंगे, हार्वेस्टिंग होगी आपकी जुलाई अगस्त में। जी 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 नहीं जुलाई भी नहीं कह सकते आप, मार्च अप्रैल मई में सैलरी और उससे 1 मंथ प्रायर, 1 महीने पहले मटर, तो जो कि इसमें मेरे को हमारी पता समझ से चला है। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी सर, एक सीनियर है हमारे, वो इस पे काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें कम से कम 2,000 टन सैलरी सीड चाहिए और ऑर्गेनिक चाहिए, और जो मार्केट में ऑल ओवर इंडिया में जो मंडी हाईएस्ट पेड करेगी उससे 10 रुपए हम ज्यादा देंगे उसको, फार्मर जो देखो प्रोड्यूस करके सबसे देगा। ज्यादा जो समस्या है आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीड नहीं मिलता है, तो उनको इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड सीड। तो जैसे आप कर रहे हैं मटर, मटर के साथ सैलरी बहुत अच्छा है क्योंकि मटर जो है लेगुमिनस क्रॉप है, जी और सैलरी साथ में अगर कोई लीफी कंपटीशन नहीं लीफी है थोड़ा जी आपको लाइन सोइंग करनी पड़ेगी। जी जी लाइन सोइंग करेंगे तभी आपका सक्सेसफुल उत्पादन होगा। जी सर, अभी हम टाई अप कर रहे हैं सर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, मैं एक्चुअली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी हूँ हरियाणा में, तो फार्मर्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। मटर हमारे महेंद्रगढ़ में, बेसिकली हरियाणा के साउथर्न मोस्ट पार्ट महेंद्रगढ़ से आता हूँ,
तो हमारे यहाँ पे लगभग लगभग 5 से 6 हजार एकड़ मटर का होता है सीड पर्पज के लिए, तो हाँ, लेकिन इसके वो साथ कमर्शियल सीड प्रोडक्शन होता है केमिकल हर हर तरह की फसलों के लिए, लेकिन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीड सर्टिफाइड तो लैंड सर में। जी, मैं आपकी बात समझ गया सर। तो हम INM IPM की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा थोड़ा जानकारी का मकसद ये था ताकि अच्छी जानकारी हो तो हम एक हमारी गाइडलाइन बना ले ताकि एक फार्मर को अच्छी इनकम हो, मटर के साथ वो एक एडिशनल क्रॉप जैसे कि सैलरी है उस पे अच्छी कमाई कर सकता है, जो उसके खर्चे मटर पे लगेंगे तो वो खर्चे वो सैलरी से निकाल सकता है, फिर मटर का उसका प्योर प्रॉफिट बचेगा पर एकड़ का। ठीक है अंकुश जी, बहुत अच्छा। आप तो हम बाकी और पार्टिसिपेंट्स के भी प्रश्न लेते हैं, और मेरे मेरे दिमाग में भी आपका ये प्रश्न रहेगा, तो कोई इस पे रिलेटेड मुझे काम जी करना सर, होगा तो आपको मैं कॉल करूंगा, मैसेज कर दूंगा जरूर सर, मैं पूछूंगा। नीरज ठीक सर है, राम ओके सर, मैं मैसेज कर ओके दूंगा। ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक बीर नेगी सर, डॉक्टर बीर नेगी सर, डॉक्टर बीर नेगी सर, कुछ डॉक्टर यू। ऐसा बीर है, नेगी सैलरी सर जी जो है जी बेसिकली सर, मेडिसिनल नहीं लेकिन क्लिनरी हब्स है ही, और ओके ये okay. जो है देहरादून में फ्लैक्स फूड एक कंपनी है, बेसिकली ओके प्रोसेसिंग okay. है, तो वो बहुत सारे फार्मर के साथ में 5-7 कुलिनरी हब्स हैं, जैसे बेसिल है, थाइम है ना, इनको करते हैं और ये एक्सपोर्ट करते हैं उसको, जी बट आई एम नॉट जी श्योर कि वो सर, ऑर्गेनिक प्योर करते हैं, बिल्कुल दोई वाला के आसपास ये काफी मात्रा में करते हैं, तो हो सकता है वो फ्लैक्स फूड से बात करके आप सीड की जो बात कर रहे थे उनको चाहिए। ये बेसिकली एनुअल 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 क्रॉप है ये, और वो नहीं है इसमें एक्चुअली, ये सीजनल क्रॉप है। सैलरी जैसे सैलरी अपने यहाँ धनिया नहीं होती है, धनिया हाँ वही 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 बिल्कुल की ये तरह है, तो धनिया के साथ वो सैलरी के साथ कोई भी सब्जी की फसल और दे सकते हैं। बेसिकली बेसिकली सर ये समझ सकते हैं वेजिटेबल है एक्चुअली में। वेजिटेबल है, धनिया जैसी होती है पत्ती। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल हाँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, ये तो बहुत बढ़िया फसल है मटर के साथ। हाँ। नहीं लेकिन एक चीज है इसमें ना, वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, इट्स सॉर्ट ऑफ ए मार्शी प्लांट, तो वो देखना पड़ेगा कि मटर वही का मैंने और कहा कि अगर मटर को पानी कम चाहिए, सैलरी को अगर पानी ज्यादा किसको चाहिए, ज्यादा तो चाहिए सर। थोड़ा सा आपको या तो डिस्टेंस ज्यादा रखें दोनों फसलों के बीच, या नाली में सैलरी करें, मेड़ पे आप मटर करें। हाँ यस, ऐसा कुछ हो सकता है। जी जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और और अंकुश जी, जैसे सर ने बताया जो फ्लेक्स कंपनी, एक बार उसको भी कांटेक्ट कीजिएगा आप ऑनलाइन, उनके डिटेल निकाल के, कोई जी, हम हमें कुछ डिटेल ना कुछ निकालते उनसे हैं उनसे भी उनका। इनपुट मिलेगा आपके काम में। ठीक जी, बिल्कुल। है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरभजन सिंह ओके जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हरभजन सिंह जी सर, मैं यही ऐड करना चाह रहा था, बाकी साथी माइक बंद कर लें जो नहीं बोल रहे, कि जी, जैसे भाई साहब अभी बात कर रहे थे, तो एक को पानी ज्यादा चाहिए, एक को कम, तो बिल्कुल वो खेती बेड बना के आप करें, नाली में ज्यादा पानी वाली फसल और बेड के ऊपर कम पानी वाली फसल, वो दोनों हो जाएंगे साथ में। जैसे बहुत सारी जगह हमारे किसान भाई गेहूं के साथ चना करते हैं, मतलब कई सर वो क्या नहीं, चने में ये करते हैं कि बीच में एक नाली को बंद करके, बिल्कुल जिसको बंद बात करते हैं सही उसमें है सर, चना ले लेते हैं, और जिसमें पानी चाहिए उस नाली को ओपन कर देते हैं, और उसमें बेड ले लेते हैं, एक बेड पे ले एक लेते हैं। समस्या है सर, हमारे हमारा जो एरिया है वो सैंड ड्यून्स का है, मतलब उबड़ खाबड़ है, रेतीला टाइप में है, तो हमारे यहाँ मिनी ही सक्सेसफुल है, मिनी या ड्रिप ओनली। ओके okay. कोई नहीं, इस पे हम डिस्कस करेंगे अंकुश जी, इस पे बाकी हम जो भी हमारे कहीं से जो भी हमारे एक्सपर्ट से मेरा डिस्कशन होगा। मैं वैसे भी मोस्टली ट्रेवल करता रहता हूँ, आज मैं ग्वालियर में हूँ, तो इसके अलावा मेरे को अभी मैं ग्वालियर यूनिवर्सिटी भी जाऊंगा मंडे को, तो मैं जहाँ भी ट्रेवल करता हूँ मिलता हूँ उनसे, आपके इस पॉइंट को मैं जी डिस्कस करूंगा, और जो भी इनपुट मिलेगा आपको शेयर करता रहूंगा टाइम टाइम। ठीक बिल्कुल सर, है, बिल्कुल ओके जी ओके। सर। सुनील पाठक जी अनम्यूट कीजिए, सुनील जी अनम्यूट हाँ कीजिए हाँ देखिए, जी। अभी सर ने जो कंपेनियन क्रॉप्स के बारे में जो डिटेल्स दी ना सर, अच्छी तो थी, लेकिन वो एक PDF के फॉर्म में अगर सबको अवेलेबल कर दी जाए तो ठीक होगा, क्योंकि तो कोई इश्यू नहीं, एक बार हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कर भी करेंगे भी वो अगर सर कंपेनियन क्रॉप्स जी। जितने जैसे प्रॉफिटेबल है एक दूसरे के, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, वैसे जो करना नहीं चाहिए उसका भी एक लिस्ट सर ने दिया था, बहुत सारी नाम दिए थे, तो सब अच्छे तो है लेकिन याद नहीं रहे, तो
तो वो अगर तो पीएफ मैं फॉर्मेट में लेते। डॉक्टर आर्यराम सर से डिस्कस करता हूँ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सर हम अपने फाउंडेशन के सदस्य भी हैं। ये मैंने ऐसा है कि मैंने एक जैविक कृषि की किताब लिखी है, उसी किताब से बोल रहा था मैं अभी। उसका नाम दीजिए सर। ये नीरज जी जानते हैं जी, वो दीजिए ना सर, उसका नाम, वो किताब का नाम, कीमत कैसे, कहाँ पब्लिक मिले, कहाँ मतलब मिलेगा कैसे, वो भी मिला तो भी ठीक रहेगा। उसमें सारी जानकारी है, हर फसल का पैकेज या प्रैक्टिस है, एक फसल में क्या क्या करेंगे, तो करीब उसपे हमको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड भी दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले वर्ष सर की जो किताब थी उसको राजभाषा में हिंदी में पूरे इंडिया में बेस्ट बुक अवार्ड भी मिला है सर की बुक को। तो सर, उसका डिटेल दीजिए सर, हम खरीदेंगे। हाँ, मैं देखता हूँ, वो ग्रुप में दीजिए सर, ज्यादा ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो तो वो भी इस चीज को अपने प्रश्न रख सकते हैं, या फिर हम इस जो आज की मीटिंग है इसको हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, या फिर आज की जो चर्चा उसमें अपना कुछ सहयोग देना चाहे, इनपुट देना चाहे, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ सर, संतोष वर्मा भैया का, ये अपने संतोष वर्मा भैया जी एस्ट्रा से हैं, जैविक खेती कर रहे हैं और इनका बहुत अच्छा ग्रुप है। मैं अपनी साइकिल यात्रा के दौरान इनके पास रुका था। तो संतोष भैया, कुछ आपके जो जैविक खेती में आपका आप तो कर ही रहे हैं, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे भाई लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपके ग्रुप के जो आप जैविक खेती कर रहे हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या जो आपने एक्सपीरियंस है वो हम सबके साथ साझा करें, और जो आज के विषय पे डिस्कस किया उसके बारे में बताएं। संतोष वर्मा भैया, अच्छा जी, जी पहले सर पूरी टीम को, नीरज जी प्रजापति की टीम को पूरी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगे, जो एक प्लेटफार्म पर सबको लेकर आए, जिसमें पूरे साइंटिस्ट से लेकर के फार्मर तक जो है जुड़े हुए हैं। ये उनकी मतलब बहुत बड़ी कोशिश है और धीरे धीरे रंग ला रही है ये। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे इधर जो है पूरा सोयाबीन का सीजन चल रहा है अभी, जिसे पीला सोना कहते हैं, ये पूरा कट के निकल रहा है और कटाई का काम चल रहा है बहुत जोरों पर जी। और इस समय ऐसी स्थिति बनती है हमारे इधर के क्षेत्रों में कि पूरी सड़कें सूनी हो जाते हैं, और जो मतलब दुकानदारी करते हैं, व्यापारी लोग, वो भी सोयाबीन कटवाने के लिए फार्मर के सहयोग करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब बात यह है कि जैविक खेती के लिए मैं प्रचार प्रसार तो करता हूँ, काफी लोगों से बोलता हूँ और काफी इसके लिए अग्रसित भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की अधिकतर धारणा ये रहती है कि कुछ उन्हें सरकारी सहयोग मिले। ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि जैविक खेती करेंगे तो सरकारी सहयोग मिलेगा या कुछ अन्य लाभ मिलेगा, तो इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाए? ठीक है, एक तो आपका ये पॉइंट हो गया। मैं इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। जी सर। संतोष जी। जी सर, सुन रहे हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो अभी नीरज जी गए थे नासिक के, नासिक गए थे जी। वहाँ पे बहुत सारे जो एफपीओज हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उनसे मिले हैं, और एक एक एफपीओ अगर आप उसे पूछिए तो वो करोड़पति अरबपति है, लेकिन ये पूछिए कि उन्होंने सरकार से क्या लिया, सरकार से कुछ नहीं। अगर सरकार के पीछे रहेंगे, भागते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अपना अपने आप अपनी आप मैं बताऊं, मैं गया था सतना, सतना में एक किसान है, 1.5 एकड़ जमीन से 35 लाख रुपए कमाता है, वो भी कहीं से कोई अनुदान उसको प्राप्त नहीं हुआ। तो पहले आप कोशिश करिए, आप सरकार के पीछे मत भागिए, ऐसा कर दीजिए कि सरकार आपके पीछे भागे। हमने देखा बहुत सारे यहाँ किसान हैं, जैसे एक वर्मा जी हैं, यहाँ आपने सुना होगा बाराबंकी में, सुना जिनको पद्मश्री मिला है, राम शरण वर्मा जी, राम शरण वर्मा के पीछे सरकार भागती है जी। सही कह रहे हैं, पहले आप ऐसा करिए कि आपके पीछे सरकार भागे। अगर आप सरकार के पीछे भागेंगे तो उसमें परेशान हो जाएंगे अपना काम। सर वीरेंद्र भैया के साथ भी यही हाल है, वीरेंद्र भैया पहले ये मैं बता दूं, वीरेंद्र भैया को जो हम जानते हैं ना, इनको इसलिए जानते हैं, ये अधिकारी के किसी भी के ऑफिस में जाके अगर कोई इनको कुछ बोल देता था तो ये बोलते थे हम काम करना तो कर, नहीं तो अगली बार से हम नहीं आ रहे तुम्हारे ऑफिस में, काम हो तो तुम खुद हमारे खेत पे आना। और इन्होंने वो दिन ला दिया है कि वो अधिकारी वो पर्सन आज इनको ये कहते हैं भाई साहब यहाँ जाना है,
तुम ये टिकट पकड़ो या ये गाड़ी का खर्चा पकड़ो, तुम एक दिन आना 2500-3000 रुपए पर डे का लेक्चर तुम्हें देंगे, बस तुम वीरेंद्र जी आ जाना कैसे भी। वीरेंद्र जी को इस नाम से जाना जाता था कि ये बंदा जहाँ भी खड़ा हो गया ये बिना रहेगा नहीं, जो बोलेगा उसके आगे किसी का जवाब नहीं है। सही बात है सर, आपका सबका सहयोग मिला और आपने जो टीम गठित की बहुत अच्छी गठित टीम की, और जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं वो हमें बहुत अच्छा लगा। जो हम तो जैविक में ही करते, जहर मुक्त उत्पादन, स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण, इसी दिशा में हमारा काम था। और जो बता रहे हैं भाई साहब की सरकार से सहायता के लिए, तो नमाम गंगे और पीपो भी भाई हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही है। सही बताइए, पहले आप जब जाते थे तो पहले आपको कितनी समस्याएं आती थी आपको, और अब आपको जाने की जरूरत नहीं होती, आप ये पूछा जाता वीरेंद्र जी क्या कर रहे हो, क्या आपके क्या क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ताकि आपके साथ हमारा भी नाम हो जाए। नीरज भाई साहब आपको बताएं कि खुशी तो मुझे पिछली 29 तारीख को हुई, जिस दिन मुझे राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा में मास्टर ट्रेनर आए, जो पीलीभीत के किसानों को फसल अवशेष पर पढ़ाने के लिए बुलाया गया, तो मुझे आपकी याद आई कि आपने मुझे एक प्रेरणा दी थी कि आप अगर जैविक मिशन पर इसी तरह चलते रहे तो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और हम जो ऑफिस के चक्कर लगाना छोड़ो, अपना काम देखो, आपका काम बोलेगा, हमारा नाम नहीं बोलता, हमारा काम बोलता है। आज दुर्भाग्य की एक तो बाढ़ आ गई और दूसरी तरफ हमारी फसल जो जमीन ही चली गई, नहीं कुछ नया मॉडल दिखाना चाहता था लेकिन मन के अरमान मन में रह गए, फिर भी मैं रोड पे आकर के दुकान किया और जैविक प्रोडक्ट जो भी किसान है पूरे जिले में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ और उनका माल बिछवाने का पूरा जिम्मा लिया हूँ कि आपका माल बाजार में मैं बिकवाऊंगा, आप केवल फसल उत्पादन करिए और लोगों के साथ एक प्रेरणा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। अभी हमारे विकास मौर्य जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया, विकास मौर्य, विकास मौर्य जी, विकास मौर्य आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या विकास मौर्य जी? ब्रिजेश त्यागी सर दो शब्द आज के, सर अनम्यूट कीजिए, ब्रिजेश जी अनम्यूट कीजिए। आज जो मैं देख रहा हूँ आप करीबन सुबह 11 बजे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने पूरी अच्छे से ज्वाइन की, तो आपके जो आज की हमने डिस्कशन किया था उसके ऊपर कुछ शब्द जी ब्रिजेश त्यागी जी। जी सर, मैं फ्रूट्स प्रोडक्शन का है मेरा, ओके, और उसमें लास्ट में जो हुआ था सर से बात हुआ था जी, तो मैं अभी आपका स्क्रीन शेयर कर रहा था कि भाई कुछ मिले और पेटमेंट के लिए मिले। एक्चुअली स्क्रीन शेयर करने से एक्चुअली साइंटिफिक गैदरिंग होती है तो उसमें अच्छा लगता है जी सर, जो चूंकि ज्यादातर इसमें फार्मर्स हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि स्क्रीन शेयर ना करके जी अपना ऐसे ही बोला जाए, तो स्क्रीन शेयर करने में हम ही 1 घंटा ले लेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, वो जो अगर कुछ ऐसी जानकारी चाहिए तो आप हमको मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद जी सर, बहुत अच्छा। अरे वीरेंद्र जी आपके साथ तो ये पंकज भैया, पंकज पटेल जी अनम्यूट कीजिए, पंकज जी हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ जी, इनकी जो ये फतेहपुर के किसान है इनको आगे लाने में जो सबसे बड़ा अहम योगदान है ये अपने पंकज पटेल जी हैं, जो कि वहाँ पे मीडिया में काम करते हैं न्यूज के, और इन्हीं की बदौलत बोले या इन्हीं का प्रयास बोले कि जो फतेहपुर के किसान भाइयों की स्टोरियां हैं ये सबसे पहले पहुंच के उन्हीं को हाईलाइट करते हैं, फिर उसके बाद राज्य सरकार और सभी। तो मैं चाहता हूँ हम लोग एक बार पंकज पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनसे हम आज बहुत दिनों बाद भी मिलना हो रहा है जी। पंकज भैया जी बोलिए, पंकज जी जी नमस्कार। नीरज जी कैसे हो आप? आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किन किसान भाइयों को वहाँ की स्टोरी को जिनको पहले कोई जानता नहीं था उनकी स्टोरियां जनता तक लेके आए, और आज राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे इनकी पहचान बनवाई आपने। नहीं हमें तो जो है हम तो कर ही रहे, लेकिन आप लोगों से भी हमें बहुत सीख मिलती है, और जो है हम भी अपने जनपद फतेहपुर के किसानों को आगे लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जनपद जो है अभी भी पिछड़ा हुआ है, यहाँ की जमीन तो उपजाऊ है लेकिन किसान जो है अभी भी उतना जागरूक नहीं हो पाया है। नहीं लेकिन आपका जो प्रयास है कि आप एक मीडिया में भी काम करें न्यूज चैनल्स के साथ, क्योंकि आपने जैसे वीरेंद्र जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके साथ में खड़े हैं,
ये जब 4 साल पहले मैं आपके खेत पे आया था उस कंडीशन में पब्लिक में, और आपने इनकी इतनी वीडियो कवरेज करी, इतनी इनको हाईलाइट किया, आज ये राष्ट्रीय स्तर पर ये पहचान बना चुके हैं, तो ये आपका भी बहुत बढ़िया हम लोग का साथ है। क्योंकि ये किसान जो इतनी अच्छी जैविक खेती कर रहा है, अगर उसको एक मीडिया का साथ नहीं मिलता तो वो कहीं ना कहीं निराश होकर बैठ जाता है। हाँ, और इससे जो है नए किसानों को भी प्रेरणा मिलती है, और मैं तो ये कहूंगा कि मैं खुद एक अच्छा किसान बन गया हूँ अपने क्षेत्र में। बहुत अच्छी अच्छी खेती, नई नई चीजें, अभी हम लोग जैविक में भी प्राकृतिक खेती पे भी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कई किसानों को साथ में जोड़ रहे हैं। आपकी मैंने प्याज और पपीते की भी नर्सरी में देखते रहता हूँ, आपको मैं फॉलो करता रहता हूँ, तो आपकी मैं डिटेल देखते रहता हूँ। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि आप जैसे भाई जब तक साथ मतलब आगे बढ़ के नहीं आएंगे, आप जैसे योद्धा हमारे जो किसान भाइयों को एक प्रेरणा, उनको साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक किसान भी सक्षम नहीं हो पाएगा और सफल नहीं हो पाएगा। अभी जैसे हमने अभी विजिट किया था बीरेन जी के खेतों में, तो इनकी गंगा कटान से लगभग लगभग खेत समाप्त होने की कंडीशन पे आ गए हैं। नहीं, कोई नहीं, इस बात को भी हम उठाएंगे, मेरी बीरेंद्र जी से बात हुई है, बाकी मैं कोशिश करूंगा अगर कहीं ऐसा मेरे को प्लेटफॉर्म मिलता है जहां मैं इनकी ये बात रखूंगा तो मैं जरूर रखूंगा यूपी सरकार में भी। अब बीरेन जी तो हमेशा जो है किसानों के बीच में, अभी पराली को लेकर के बहुत सारा काम कर रहे हैं कि किसान पराली न जलाए, एकत्रित करे, गौशालाओं पे दान दे, ताकि जो है गाय का भी वो हो सके, और प्रदूषण भी अपना जो भी जीवाश्म खेती के खत्म हो रहे हैं उनमें भी काफी गांव गांव जा करके गोष्ठियां कर रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं, तो इनकी बहुत अच्छी पहल है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, थोड़ा सा टाइम का अभाव है और हमारा 12:30 बजे तक होता, बाकी हम भाई का प्रश्न लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी और वीरेंद्र जी। जी रमजी जी, आपका कोई प्रश्न? जी रमजी जी, आपका कोई प्रश्न है? रमजीत सिंह जी, रमजीत सिंह जी या विकास मौर्य जी, आप दोनों के हैंडरेज हैं, आपके कोई प्रश्न है क्या दोनों के? रमजीत जी, रमजीत सिंह जी, ठीक है सर। मुझे लगता है कि आज की हमारी जो जी हमारी आज की जो सीरीज थी और आज का हमारा जो एपिसोड था, हमने इतनी अच्छी एक दूसरे तक जानकारी शेयर की, और मैं चाहता हूं कि आज की हम इस जो आज की ये एपिसोड है इसको समाप्ति की तरफ है। तो रंजीत, डॉक्टर रंजीत चटर्जी, आज की जो हमने ये इंटरक्रॉपिंग या एक दूसरे के साथ जो अनिवार्य फसलों के बारे में डिस्कस किया, तो सर आप सब्जी में काम कर रहे हैं, आप अपने कुछ इस पे इनपुट देना चाहें डॉक्टर रंजीत चटर्जी से? यस यस, मेरा इनपुट यही है, सब्जी जो है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है, उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा लगता है, तो आप ये जब इंटरक्रॉपिंग करेंगे और मिक्स क्रॉपिंग करेंगे तो आपका न्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट है उसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मतलब मेरी मिनिमम टाइम में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं, तब जब भी आप क्रॉप सिलेक्ट करेंगे ताकि मेन क्रॉप को ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, ये न्यूट्रिशन फैक्टर को लेकर मेन काम करना की जरूरत है। कोई भी इंटरक्रॉप लगाते तो हमें ये देखने की जरूरत है कि कहां से क्या बोला जाए, कहाँ से इनपुट आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, कितना हमारे प्लांट्स को चाहिए और किस क्रॉप को कितना चाहिए ताकि हम उसको मैनेज कर सके INM के मेन क्रॉप में कोई डिस्टर्ब ना हो, उसका जो यील्ड पोटेंशियल है वो जो ठीक होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अन्य कुछ सुझाव सर? नहीं, सुझाव आपका तो टॉपिक अच्छा अच्छा हो रहे हैं, मैं रिटर्न कुछ टॉपिक डिस्कशन के लिए आपको सजेशन देंगे। अगर इन फ्यूचर आप ऐसे अरेंज करेंगे तो फार्मर्स के लिए अच्छा होगा। सर हम जरूर अरेंज करेंगे, आपका उसमें सहयोग भी लेंगे, आपको उसमें इनपुट भी लेंगे, और हम चाहते हैं कि आप जैसे जो योद्धा है, आप जैसे जो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक, वो आगे बढ़ चढ़ के इस चीज में हिस्सा ले, और हमारे किसान भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं नियंत्रण, तो हम एक भारत को आगे प्रगति की ओर राह पे ले चलेंगे हमारे देश। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर्यराम सर, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, जो आज के हमारे किसान बंधु सभी जुड़े थे उनको आज के बारे में सर वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सो एक बार पुनः मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाल करके इस चर्चा में भाग लिए, और नीरज जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये बाहर रह के भी कार्यक्रम का सफल आयोजन कर लेते हैं, तो आगे चर्चा हम लोग डिसाइड करेंगे, इसी जो हम लोग चर्चा करते हैं इसी में जिस विषय पे सबसे ज्यादा सवाल
आते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगले शनिवार तक आप लोगों से विदाई लेते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों को, आदरणीय गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।